जेपी नड्डा के एमपी दौरे का दूसरा दिन, जबलपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे नड्डा। बूथ बैठक में हिस्सा लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 6 जुलाई को पहले और 13 जुलाई को दूसरे चरण का होगा मतदान, 17 और 18 जुलाई को आएंगे नतीजे। रायपुर में सीएम भूपेश ने देखी बुलंद अमेज फिल्म, कई कांग्रेस नेता रहे मौजूद, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर बनी है। कांग्रेस के दो दिवसीय नव संकल्प शिविर के पहले सत्र का समापन, राजस्थान में लिए गए संकल्पों पर हुई चर्चा, सीएम भूपेश ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। रायपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सीएम ने कहा नोटबंदी जीएसटी है बीजेपी की उपलब्धि। नरोत्तम मिश्रा ने जेपी नड्डा का किया स्वागत, साथ ही जेपी नड्डा के साथ और अन्य अतिथियों की मेजबानी। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, गुरुद्वारा नानक टेकरी में टेका मत्था, कहा पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट। दुर्ग में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, नगर निगम ऑफिस में जमकर किया हंगामा, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में जताया रोष। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, राहुल गांधी को आज और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, 2015 में निचली अदालत से मिली थी जमानत। बिहार में जातिगत जनगणना पर सभी पार्टियां राजी, सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला, सीएम नीतीश बोले सभी धर्मों की जातियों उपजातियों की होगी गिनती। आज बीजेपी में शामिल होंगे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, गुजरात बीजेपी मुख्यालय में आला नेताओं की मौजूदगी में थामेंगे कमल, स्वागत के लिए पोस्टर भी लगे। हार्दिक पटेल ने पिछले महीने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की राजनीति में बड़ा फेरबदल। पलायन की चेतावनी के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के शिविर सील, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। मशहूर सिंगर केके को आज मुंबई में दी जाएगी आखिरी विदाई, वर्सोवा के हिंदू शमशान में होगा अंतिम संस्कार, 9 बजे से दर्शन कर सकेंगे फैंस। सिंगर केके का पार्थिव शरीर कोलकाता से मुंबई पहुंचा, भारी संख्या में फैंस के पहुंचने की संभावना। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद दरहरा मस्जिद को लेकर विवाद, नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, भगवान विष्णु का मंदिर बताया। राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण के लिए सीएम योगी ने किया शिला पूजन, राम मंदिर से जुड़े तमाम साधु संत रहे मौजूद। 500 साल तक चले विवाद के बाद राम मंदिर के गर्भगृह का शुरू हुआ निर्माण कार्य, पूरी श्रद्धा के साथ सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, आरपीएफ और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू, आग में जलकर खाक हुई कार, आग लगने का कारण अज्ञात। बिलासपुर में रतनपुर थाने में खड़ी गाड़ियों में लगी आग, आग में जलकर 50 से ज्यादा वाहन खाक। सिवनी में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 2 की मौत, 16 लोग घायल, घायलों का जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। निवाड़ी में तालाब में डूबे 2 नाबालिग, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए झांसी किया गया रेफर। गरियाबंद में हीरा तस्करों के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई, 745 हीरे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख से ज्यादा है हीरों की कीमत, उड़ीसा के नवरंगपुर के हैं दोनों तस्कर। उज्जैन में चलते ट्रक से चोरी की वारदात, चलते बाइक से 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपी ने ट्रक में रखी बोरियां नीचे गिराई, घटना का वीडियो हुआ वायरल। कंजरडेरो पर देवास पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन प्रहार के तहत 400 पुलिसकर्मियों के साथ एसपी शिवदयाल सिंह ने की कार्रवाई, अवैध शराब समेत कई ठिकानों को किया ध्वस्त।
मुरैना में सड़क पर सामान रखने को लेकर विवाद, दो पड़ोसियों में हुई पत्थरबाजी और फायरिंग घटना का वीडियो भी वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग व्यापारियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 40 से ज्यादा अधिकारी कर रहे हैं छानबीन। जांजगीर चांपा में पुलिस रिश्वत लेते पटवारी के खिलाफ की कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश और किसान से रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। जांजगीर चांपा में किसान सम्मान निधि की राशि निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने चार आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपियों से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड और नकदी बरामद, किसानों का आधार कार्ड लेकर करते थे धोखाधड़ी। महाजंग के 98 दिन, रूसी सेना ने की फॉस्फोरस बम की बारिश, अमेरिका ने कहा यूक्रेन को देगा एडवांस रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन के खेरसान में थर्मोबैरिक बम से हमला, रूसी हमले से दहला खेरसान, यूक्रेन में मची भारी तबाही। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने दागी क्रूज कैलिबर मिसाइल, ब्लैक सी से यूक्रेन पर किया हमला। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हरिकेन से किया हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार, एंटी टैंक माइंस बिछाकर रूस के टैंक को किया तबाह, यूक्रेन की आर्टिलरी को उड़ा चुका था रूसी टैंक। रूस यूक्रेन के आमने सामने की लड़ाई, यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला, रूसी फौज के बीआरडीएम 2 स्काउट कार को उड़ाया, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस को करारा जवाब देने में जुटा यूक्रेन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला, रूसी सेना में मची भारी तबाही।